बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 7th इंग्लिश बी क्लास। होप सो आप सब कैरियर से होंगे। बच्चों आज हम यूनिट नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर है मेरे पास 88। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रेपोजिशंस किसे कहते हैं। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड टिपिकली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। इट हेल्प्स टू शो हाउ द पर्सन और थिंग्स डिनोटेड बाय The noun is related to something else in the sentence. ठीक है, preposition किसे कहते हैं? वो words होते हैं जो कि किसी भी noun या pronoun से पहले इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, let's remember, देखते हैं जी exercise A। हमारे पास है choose the correct words to complete the sentences given below। अब इसमें हर एक sentence के end पे two words आपके पास दिए गए हैं, two prepositions हैं, for and since। for example first sentence में है तो आपने यहाँ से करेक्ट जो है वो प्रेपोजिशन चूज करनी है। ठीक है, फॉर बोथ प्लान्स। बस देखिए हमारे पास क्या है, आसिम्स फीवर हैज कम डाउन डैश फ्राइडे ही हैज बीन एब्सेंट डैश अ वीक नाउ। ठीक है, क्या सेंटेंस होगा? आसिम्स फीवर हैज कम डाउन सिंस फ्राइडे ही हैज बीन एब्सेंट फॉर अ वीक नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है द चाइल्ड एट एंड द चाइल्ड सैट बिटवीन हिज फादर and the mother among the parents. Number 3 है, there are mosquitoes in the room. They flew into the room when the door was open. Next है, number 4, my father was inside the drawing room when I was playing outside my house. Number 5 है, you may sit beside me. I will give you a drawing book and pencils besides a story book. Next day we went to the market in the morning and walked towards the riverfront in the evening. Next day number 7, the child walked along the pavement and across the street safely. Next day, this tabletop is made of glass. My breakfast fell off in the morning. Next day, the pan is on the gas stove. There are vegetables in it. Number 10 है, we will wait for you at the bus stop. There are a lot of people in the hall. ठीक है, next एक note दिया गया है, all the words required to complete the sentences given above are prepositions. ठीक है, यानी ऊपर जितने भी words दिए गए हैं जिनकी help से हमने क्या किया है कि अपने sentences को complete किया, ये हमारे पास prepositions हैं। definition हम already study कर चुके हैं। अब हम इसकी काइंड्स की तरफ आते हैं। काइंड्स ऑफ प्रपोजिशंस क्या हैं? सिंपल प्रपोजिशंस, कंपाउंड प्रपोजिशंस। ठीक है, सिंपल प्रपोजिशंस कौन सी होती हैं? सिंपल प्रपोजिशंस आर वन वर्ड प्रपोजिशंस सच एज एट, बाय, फॉर, इन, ऑफ, फ्रॉम, ऑन, आउट, थ्रू, टिल, टू, अप, विद, बिफोर, अमिडस्ट, टुवर्ड्स, बियॉन्ड, बिटवीन, ओवर एंड एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल, शी गोज थ्रू द न्यूज़पेपर बिफोर लीविंग फॉर वर्क। आई बॉट दिस शॉल फॉर माय मदर फ्रॉम द कश्मीरी स्टॉल एट द फेयर। ठीक है, अब इसमें जो इटैलिक राइटिंग में थ्रू, बिफोर, फॉर एंड फ्रॉम जो वर्ड्स दिए गए हैं ये हमारे पास क्या है? सिंपल प्रपोजिशंस है। ठीक है, दीज आर वन वर्ड्स प्रपोजिशंस। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड प्रपोजिशंस। देयर आर सम वर्ड्स दैट आर ऑलवेज यूज्ड विद फिक्स्ड प्रपोजिशंस टू कन्वे स्पेसिफिक मीनिंग। फॉर एग्जांपल, आई वाज एबल टू मीट यू ड्यू टू अ प्रीवियस एंगेजमेंट ऑन अकाउंट ऑफ। ठीक है, अब इसमें देखिए हमारे पास जो वर्ड यूज हो रहे हैं ड्यू टू। ठीक है, तो ड्यू टू क्या है हमारे पास यहाँ पे? प्रपोजिशंस हैं। ठीक है, लेकिन हम इन्हें कंपाउंड प्रपोजिशन कहेंगे क्योंकि ये वन वर्ड नहीं है बल्कि टू वर्ड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑलवेज मेंटेन द क्यू इंस्टेड ऑफ क्राउडिंग एट द काउंटर। ठीक है, अब इसमें इंस्टेड ऑफ क्या है? कंपाउंड प्रपोजिशंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सच वर्ड्स एंड प्रपोजिशंस फंक्शन एज अ सिंगल यूनिट। द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इन अ ग्रुप इज फिक्स्ड, हाउएवर द सेम वर्ड कैन बी यूज्ड विद डिफरेंट प्रपोजिशंस टू कन्वे डिफरेंट मीनिंग्स। लुक एट द टेबल फॉर अ फ्यू टाइप्स एंड एग्जांपल्स ऑफ
कंपाउंड प्रपोजिशंस, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास है वर्ब प्लस प्रपोजिशन, यानी वर्ब के साथ जब हम प्रपोजिशन यूज करते हैं तो वो किस तरह से होता है, ठीक है। अपोलोजाइज फॉर, अपोलोजाइज टू, होप फॉर, होप टू, डिसाइडेड ऑन, आर डिसाइडेड अपॉन एंड डिसाइडेड टू, ठीक है। अब इन सेंटेंसेस में देखिए वर्ब के साथ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वर्ब उन्होंने कौन कौन से लिए, अपोलोजाइज लिए, होप एंड डिसाइडेड। अब इन वर्ब के साथ जो प्रपोजिशन है वो हमने चेंज किया, ठीक है। फर्स्ट में हमने अपोलोजाइज फॉर, देन अपोलोजाइज टू, ठीक है। तो अब इसमें देखिए कि जो सेंटेंस की मीनिंग है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अपोलोजाइज फॉर, ही विल अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक, ठीक है, यानी उसे अपने गलती के लिए शर्मिंदा होना पड़ेगा या अपनी गलती को मानना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए माफी मांगनी होगी। नेक्स्ट हमारे पास के ही अपोलोजाइज, ही विल अपोलोजाइज टू यू, ठीक है। अपोलोजाइज फॉर के लिए माजरत करना, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अपोलोजाइज टू, अपोलोजाइज टू यानी से माफी मांगना। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल्स को आपने स्टडी कर लेना है, होप फॉर, होप टू, डिसाइडेड ऑन, डिसाइडेड अपॉन एंड डिसाइडेड टू, ठीक है। फिर उसी तरह से उन्होंने नाउन प्लस प्रीपोजिशन, यानी नाउन के साथ जब हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉज ऑफ इंक्रीज इन एडवर्टाइजमेंट फॉर कोर्स इन कोर्स ऑफ एन एग्जीबिशन ऑफ, ठीक है। ये आप लोगों ने एग्जाम्पल्स के साथ इनको स्टडी कर लेना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास एडजेक्टिव्स के साथ प्रपोजिशन सीखी, ये भी आप लोगों ने पढ़ लेनी है। देन प्रपोजिशन प्लस प्रपोजिशन, यानी एक प्रपोजिशन यूज हो रही है, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ, विद रिगार्ड टू, इन अकॉर्डिंग्स विद, इन व्यू ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इन प्लेस ऑफ, ठीक है। तो हम उसको जो है वो किस तरह से करेंगे, ठीक है। ये आपके एग्जाम्पल्स जस्ट दी हुई है, तो आप लोगों ने इसको रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट है पार्टिसिपल प्रपोजिशंस। पार्टिसिपल प्रपोजिशंस कौन से होते हैं जी? पार्टिसिपल प्रपोजिशंस आर प्रेजेंट आर पास्ट पार्टिसिपेंट्स ऑफ वेरियस वर्ब्स व्हिच टुगेदर विद अ नाउन फ्रेज आर अ क्लास फंक्शन एज प्रपोजिशंस एंड फ्यू एग्जाम्पल्स आर बेयरिंग, कंसर्निंग, कंसीडरिंग, नॉट विदस्टैंडिंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग एंड रिस्पेक्टिंग, ठीक है। यानी पार्टिसिपल हमारे पास, पार्टिसिपल कहते हैं किससे, आप लोगों ने पहले भी स्टडी किया होगा, ठीक है। जेरंड और पार्टिसिपल जो होते हैं ये दोनों बेसिकली वर्ब की फोर्थ फॉर्म को कहते हैं बेसिकली, ठीक है। लेकिन जेरंड जो होता है उसको हम एज ए नाउन यूज करते हैं, ठीक है, और पार्टिसिपल जो होते हैं वो एज एन एडजेक्टिव यूज होता है। लेकिन पार्टिसिपल में फिर फर्दर हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फोर्थ फॉर्म को कहते हैं, जो ing वाली फॉर्म होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टिसिपल प्रपोजिशंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए एग्जांपल है, कंसीडरिंग ऑल द फैक्ट्स दिस इज द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन वी कैन टेक। अब इसमें कंसीडरिंग, नॉट विदस्टैंडिंग एंड गिवन, ये हमारे पास क्या है, पार्टिसिपल प्रपोजिशंस है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करें जी एक्सरसाइज बी, हमारे पास चूज द करेक्ट प्रपोजिशन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है लेट अस टॉक फॉर टू अबाउट समथिंग एल्स, ठीक है। तो फर्स्ट में आप यहाँ पे आपने करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना है। फर्स्ट सेंटेंस में लेट अस टॉक अबाउट समथिंग एल्स, आई हैव नो इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, शी हैज द रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ ग्रेट पेंटिस्ट, शी इम्प्रेस्ड ऑन अस द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, don't be negligent in your duties, most of our roads are not suitable for fast cars, my uncle deals with spices and contaminants, next employees need to strictly adhere to company rules. Next number 9, my grandfather has recovered from his illness. Next day they completed the work in a great way. ठीक है, देन हमारे पास है फंक्शन ऑफ प्रपोजिशन, ठीक है। प्रपोजिशन के क्या फंक्शन होते हैं, कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो बाय चूजिंग द करेक्ट प्रपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है। अब इसमें हमारे पास हिंट वर्ड्स जो है वो दिए गए हैं बॉक्स में और हमने इनको यूज करके जो अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस में हम क्या राइट करेंगे,
फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास द डॉक्टर कैन मीट अस आफ्टर 7 इन द इवनिंग, नेक्स्ट डे बिफोर आई साइन द कॉन्ट्रैक्ट यू वर एट हिज हाउस एट 9 PM, अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग हिज स्पीच, द कॉरियर केम अराउंड 3 PM, मुजफ्फराबाद टुक प्लेस इन 2005, नेक्स्ट डे ईट एनीथिंग फॉर द नेक्स्ट 6 hours, द रिपेयर बाय टुमारो, रीच्ड इन टाइम, अराइव्ड ऑन टाइम। ठीक है, ये हमारे पास एक्सरसाइज सी थी। अब नेक्स्ट देखें, ऑल द प्रपोजिशंस यूज्ड इन एक्सरसाइज सी आर प्रपोजिशंस ऑफ टाइम। ठीक है, यानी ड्यूरेशन को आपने देखे कि सेंटेंसेस में, हर सेंटेंस में जो है वो टाइम मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास प्रपोजिशन ऑफ टाइम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टेबल में डिफरेंट टाइप्स दिए गए हैं प्रपोजिशंस के और उनके फंक्शन बताए गए हैं। प्रपोजिशन ऑफ टाइम, इसकी इंडिकेशन क्या है, इट शोज टाइम। और एग्जाम्पल जो है, आई विल गेट दिस डन बाय 2 PM। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स जो है वो आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस क्या है, इसमें पोजीशन डिस्क्राइब की जाती है, पोजीशन ऑफ, प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट, इसमें इंडिकेशन क्या होती है, ओरिजिन, डेस्टिनेशन, मोशन एंड डायरेक्शन। ठीक है, फिर प्रपोजिशन ऑफ मैनर एंड मींस एंड मैनर एंड प्रपोजिशन ऑफ पर्पस क्या है, रीजन एंड पर्पसेस। ठीक है, एक्सरसाइज डी है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रपोजिशन, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, द सिटी इज enveloped in a thick fog, I agree with you, the facts point to a different explanation, it is beyond imagination, next take view beside the lake, next day accomplished in and anxious about। नेक्स्ट सीखें, डाइट वेट एंड रिस्पॉन्स फॉर्म। नेक्स्ट है प्रपोजिशंस एंड एडवर्ब्स एंड वर्बल पार्टिकल। ठीक है, देयर आर वर्ड्स दैट फंक्शन बोथ एज प्रपोजिशन एंड एज एडवर्ब। ठीक है, यानी कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि एज अ वर्ब एडवर्ब भी चूज होते हैं और एज अ प्रपोजिशन भी चूज होते हैं। ठीक है, यानी वो दोनों का फंक्शन जो है वो प्ले करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने स्टडी कर लेना है। हम एक्सरसाइज ई पे आएंगे, आइडेंटिफाई द एडवर्ब्स एंड प्रपोजिशंस इन द सेंटेंसेस बिलो, अंडरलाइन देम एंड राइट PRA इन द स्पेस प्रोवाइडेड। ठीक है, अब फर्स्ट हमारे पास क्या है, द लैंप हंग अबाउट अबाउट द टेबल। अब इसमें अबाउट जो यूज हुआ है वो क्या है, इट इज प्रपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट से आई केप्ट कॉलिंग बट ही सिंपली वॉक्ड अवे। अब इसमें अवे क्या है, अबे हमारे पास एडवर्ब है, इट इज नॉट प्रपोजिशन, क्योंकि प्रपोजिशन की आपने आइडेंटिफिकेशन क्या पढ़ी है कि वो नाउन से पहले यूज होता है, नाउन जब प्रोनाउन से पहले। ठीक है, नेक्स्ट है वी सैट बाय कैंडल लाइट एंड हैड डिनर। बाय क्या है, हमारे पास प्रपोजिशन है, आउटसाइड भी प्रपोजिशन है। फिर नंबर 5th सेंटेंस में आउटसाइड हमारे पास एडवर्ब है, forget the dispute, let us move on। अब यहाँ पे on क्या है, हमारे पास adverb है, जो कि adverb ही है और as a preposition की word कर रहा है। ठीक है, keep the books on the shelf, अब यहाँ पे on क्या है, preposition, behind क्या है, preposition, over क्या है, adverb, and then last sentence में his decision prevails over all his business establishment, अब यहाँ पे over क्या है, preposition। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने यूनिट अच्छे से स्टडी करना है, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लेट्स रिवाइज जो इसकी एक्सरसाइज है वो स्किप है, वो आप लोगों ने नहीं करनी, यूनिट को अच्छे से स्टडी कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।